नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने एक पेंटिंग किया है वॉल्स पे, और वो बच्चे का रूम है, किड्स का। और जो पेंटिंग का थीम है वो ट्रीज़ का ही थीम है, खाली ट्रीज़ ही हैं, थोड़ी सी ज़मीन है, ट्रीज़ हैं, थोड़े से फ्लावर्स। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, हमने पहले बैकग्राउंड किया है, उसके बाद ही हमने उसके ऊपर ड्राइंग करके ट्रीज़ वगैरह बनाए हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपको अगर पता चल रहा है, थोड़ा सा नज़दीक आकर दिखा देते हो। अभी ये ड्राइंग हो गया है, और सॉरी हाँ, बैकग्राउंड हो गया है, और हमने हल्का हल्का ड्राइंग भी कर लिया है। थोड़ा नज़दीक करके दिखाइए, ये देखिए, ये ड्राइंग किया हुआ है, ये चौक के साथ ड्राइंग किया। ये काफ़ी हल्का ड्राइंग है, क्योंकि ज़्यादा डार्क ड्राइंग हम कर नहीं सकते, बाद में मिटाना या उसको कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कलर में। तो हमारा क्या एयर ब्रश का काम है, इफेक्ट्स का, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट ड्राइंग ही रखना पड़ता है। इवन के जब हम कलर भी शुरू करते हैं, उससे पहले भी थोड़ा सा कपड़ा बांध लेते हैं उसको, ड्राइंग को और थोड़ा फीका देने के लिए। ये ड्राइंग हो गया सारा, यहाँ पर भी सामने देखा है। ये सारी ड्राइंग हो गई, सब ट्रीज ही ट्रीज है सारे, ये सब ड्राइंग कर रहे हैं। स्काई भी बन गया है, दिखाइए ऊपर भी, ये क्लाउड्स भी हमने बना दिए। ये सब कस्टमर चॉइस के हिसाब से बना है, हमने पहले थोड़े से डार्क रखे थे, कस्टमर ने हमें बोला थोड़े से वो लाइट करो, तो हमने उसको उनकी चॉइस के हिसाब से लाइट किया। सब लाइट लाइट शेड ही रहेंगे, सिर्फ ट्रीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा डार्क इफेक्ट होगा। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ कलर, वीडियो बना के साथ में आपको दिखा रहा हूँ।
ओके गाइस, अभी आपने देख लिया है कि सारा काम हो गया है और ये अभी पेंटिंग फाइनल हो गया है और कस्टमर भी खुश है और कस्टमर ने ओके कर दिया सारे काम को। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।